Good morning, kids. Welcome to your math class. Kids, in our previous class, we studied about which shape? We studied about circle shape. कौन सी shape है ये? Circle shape. और circle shape क्या होती है? जो round होती है, जिसके कोई corners नहीं होते हैं, और जो flat होती है, right? And today we are going to learn about one more shape. ये कौन सी shape है? Look carefully. ये है एक triangle. क्या कहते हैं हम इसको? Triangle. And why do we call it a triangle? Because it has three sides. Let's count. 1, 2, and 3. इसकी कितनी sides होती हैं? One side, two side, and three side. A triangle has three sides, three corners. इसलिए हम इसको ट्राई, ट्राई मतलब थ्री, तीन, तीन को हम बोलते हैं ट्राई. अब देखिए ध्यान से, क्या इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं? नो, कुछ ट्रायंगल होते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे कि ये. देखिए इसकी तीनों साइड्स इक्वल है ना, ये तीनों साइड्स एकदम बराबर हैं. लेकिन इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं, लेकिन ये साइड इन दो साइड से बड़ी है, राइट? तो जरूरी नहीं है कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हों, जैसे कि इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, बट यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल नहीं है. सो अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विद थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर्स. क्या होता है ट्रायंगल? ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है, मतलब ये बंद होता है और इसकी तीन साइड्स होती हैं और इसके तीन कोने होते हैं, और ये तीनों साइड्स एक दूसरे से इन कोनों से जुड़े होते हैं. इसे हम हिंदी में त्रिकोण कहते हैं. दिस इज एन आइसक्रीम कोन. और आइसक्रीम कोन कौन सी शेप का होता है? ट्रायंगुलर शेप. दिस इज अ ट्रायंगुलर शेप. दिस इज अ ट्रायंगल. दिस इज अ पिज्जा. पिज्जा इज सर्कल इन शेप. लेकिन जब आप इसको कट करते हैं स्लाइसेस में, तो ये किस शेप में आ जाते हैं? ट्रायंगुलर शेप में. कौन सी शेप में आ जाते हैं ये? ट्रायंगुलर शेप में. दिस इज अ बर्थडे कैप. और बर्थडे कैप कौन सी शेप की होती है? ट्रायंगल शेप की. विच शेप इज दिस? ट्रायंगल शेप. दिस इज अ माउंटेन. और माउंटेन्स कौन सी शेप के होते हैं? माउंटेन्स होते हैं ट्रायंगल शेप के. कौन सी शेप के होते हैं? ट्रायंगल शेप के. ये क्या है बच्चों? ये है एक पराठा. मम्मा आपकी पराठा बनाते हैं ना, तो परांठे किस शेप के होते हैं? ट्रायंगल शेप के. कौन सी शेप के होते हैं परांठे? ट्रायंगल शेप के. एंड दीज आर नाचोस. ये भी आप खाते हैं नाचोस, चिप्स. कौन सी शेप के होते हैं? ट्रायंगल शेप के. दीज आर सैंडविचेस. एंड सैंडविचेस आर ट्रायंगुलर इन शेप. ये कौन सी शेप के होते हैं? ट्रायंगुलर शेप के. ब्रेड्स को हम हाफ काट के इसका सैंडविच बनाते हैं. सो किड्स, टुडे वी विल डू एन एक्टिविटी. हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें एक पेपर से ट्रायंगल बनाएंगे. कैसे बनाएंगे हम पेपर से ट्रायंगल? व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक अ पेपर, टेक एनी कलर पेपर, एंड देन जस्ट फोल्ड दिस पेपर. इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, लाइक दिस. एंड इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, और इसको हमें क्या करना है? इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है. जो बचा हुआ पेपर है उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है. जो बच गया है यहाँ पे पेपर, उसको हम अंदर इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ऐसे. एंड सी, अगर आप इस तरह से इसको मोड़ देंगे तो ये आपका ट्रायंगल फिगर बन जाएगा. कौन सी शेप है ये? ट्रायंगल शेप. अब अगर हम इसको इस तरह से फिर से फोल्ड करते हैं, तो भी ये कौन सी शेप बनेगी? ये बनेगी ट्रायंगल शेप. फिर से ये कौन सी शेप बनी? ट्रायंगल शेप. तो ऐसे ही आप जितनी बार हो सके इस पेपर को फोल्ड करिए और ट्रायंगल्स बनाइए, और जितनी बार इसको फोल्ड करते जाएंगे उतनी बार ये पेपर छोटा होता जाएगा, ट्रायंगल आपके छोटे होते जाएंगे साइज में, करेक्ट? सो लाइक दिस, सी ये फिर से छोटा हो गया. सो लाइक दिस यू ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी एंड हैव फन. थैंक यू.